ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर हर दिन की जानकारी ले रहे हैं। आज भी पीएम ने बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज फोन पर बातचीत करके सिलकियारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों के लिए भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं उन्हें सकुशल बाहर निकालने हेतु चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को केंद्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स और प्रदेश प्रशासन के परस्पर समन्वय के साथ संचालित कार्यों से अवगत कराया गया है। इस दौरान उन्हें गत 24 घंटों में हुई सकारात्मक प्रगति और श्रमिकों और उनके परिजनों की बातचीत से बढ़े मनोबल की भी जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कठिन परिस्थिति से निपटने हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जो हम सभी को पूरी ताकत से श्रमिक भाइयों को शीघ्र और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नित नई ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है और अगर ड्रिलिंग का कार्य भी शुरू हो गया है, अब बचाव का कार्य और भी ज्यादा तेज हो गया है। बचाव दल 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। एजेंसियां अगले 40 घंटों को बेहद अहम बता रही हैं। एजेंसियों का अनुमान यह है कि 30 से 40 घंटे के अंदर सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को सुरंग से अच्छी खबर आई। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों को चेहरे उनके देखे कैमरे के जरिए और उनसे बात भी की है। इस दौरान मजदूरों को भरोसा दिलाया गया है कि वो जल्दी बाहर निकाल लिए जाएंगे। आपको बता दें कि 12 नवंबर को उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। और अब अगले